मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला पीतल के उत्पादों पर की रचनात्मकता और हान हैंडीक्राफ्ट के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में मुरादाबाद का नाम रोशन करने की चाहत से क्रिएटिव होम प्रोडक्शन के कलाकारों ने एक वेब सीरीज लॉन्च करने की ठानी है। इस वेब सीरीज का नाम है शूट आउट एट मुरादाबाद। गौरव शर्मा द्वारा निर्मित वेब सीरीज शूट आउट एट मुरादाबाद 22 जनवरी को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी। इसकी शूटिंग मुरादाबाद और नैनीताल में की गई है और इस वेब सीरीज को बनाने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि अपने शहर मुरादाबाद का नाम रोशन हो। आइए देखते हैं INN की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे रिपोर्टर के साथ विशेष बातचीत के दौरान इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक गौरव शर्मा ने बताया कि इस वेब सीरीज में मुरादाबाद के ही कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और ये एक रचनात्मक कहानी है जिसका किसी भी सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, जो भी सीखा है अपनी गलतियों से सीखा है और उनका मानना है कि इंसान को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और इंसान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने मुकाम तक एक ना एक दिन जरूर पहुँचता है। पहली फिल्म आपने कब बनाई? मैंने पहली फिल्म बनाई थी 2015 में और उस पिक्चर का नाम है डार्क अंधेरा जिंदगी में। हाँ, मैंने लगभग सभी तरह की जोन की फिल्में बनाई हैं, चाहे कॉमेडी हो, सोशलाइज हो, हॉरर हो, एक्शन हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, ड्रामा, सभी तरह की मूवीज बनाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो मैंने वेब सीरीज बनाई है वो शूट आउट एट मुरादाबाद है और उसका ट्रेलर 15 तारीख को यूट्यूब पर आ चुका है और बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर शायद आपने सुना होगा, सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर। मतलब मैंने अनाउंस किया था कि मैं कोशिश, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आई जिसका ट्रीटमेंट, लोगों को अलग कहानी कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा था कि मैंने वादा किया था कि मैं इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूँगा और मेरा वादा पूरा हुआ। लोगों को लोग अपने आप खुद ही अपने मुँह से वो कह रहे हैं कि आपने जो बनाई है मिर्ज़ापुर की टक्कर की बनाई है। मेरा जो मानना है, मेरा मानना है कि हमेशा सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना चाहिए सीखते सीखते। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी चले जाते हैं लेकिन वो गिरने का डर उतना जल्दी रहता है। तो मैं सीखते सीखते, मैंने कहीं कोर्स नहीं करा है किसी भी तरीके का मूवी बनाने का, ना स्क्रिप्ट, ना डायरेक्शन, ना एडिटिंग, कुछ नहीं। मैं जो सीखाऊँ वो देख देख के सीखाऊँ, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ और मैं चाहता हूँ और मेरा सपना है और हम लोग पूरी कोशिश में, मैं मेरी पूरी टीम लगे हुए हैं। कलाकार सचिन सक्सेना ने बताया कि ये उनकी गौरव शर्मा के साथ छठी फिल्म है और हमेशा की तरह उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और उनकी पूरी टीम को ये उम्मीद है कि इस फिल्म के द्वारा उनको सफलता जरूर मिलेगी। जी, ये मेरी गौरव भाई के साथ छठी फिल्म है और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था उसी तरह से हमें उम्मीद है कि सफलता मिलेगी इस फिल्म में। और इस फिल्म में मैं STF के एक ऑफिसर का रोल निभा रहा हूँ। इससे पहले और कितनी फिल्में कर चुकी हैं? मैं इससे पहले गौरव भाई के साथ 5 फिल्में कर चुका हूँ। इस फिल्म को बनाने में कितना अवधि लगी और कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा हमें। इसका शूट हमने मुरादाबाद में भी किया है और नैनीताल में भी शूट इसका हुआ है और जैसा कि हर बार बहुत मज़ा आता है गौरव भाई के साथ करने में, वैसे ही फील हम लोग सभी कलाकारों को बहुत अच्छी फील हुआ है। बहुत मेहनत करी है और हमें न केवल मुरादाबाद बल्कि सब जगह की जितनी पब्लिक है सबसे उम्मीद है कि जो हमने मेहनत करी उसको जरूर सराहें। कलाकार मंजीत सिंह ने बताया कि वो इस वेब सीरीज में विलन का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस वेब सीरीज का ट्रेलर 15 जनवरी को लॉन्च हुआ था जो कि लोगों ने काफी पसंद किया है। सर, इस फिल्म में हमें आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस करा हमने और पूरी टीम के साथ। गौरव जी ने हमें बहुत अच्छा इसके प्रैक्टिस करने के लिए, जो ट्रेलर रिलीज हुआ 15 तारीख को, लोग इसे बहुत लाइक भी कर रहे हैं। सर, आपका क्या रोल रहा है? मेरा सर इसके अंदर रोल थोड़ा विलेन का रोल है, जो इसमें गैंग स्टार जो दिखाई है फिल्म के अंदर, तो उसमें से हमारा नाम उसमें KK चड्डा है और उसके हिसाब से सब जैसे भी स्टोरी है तो उसके हिसाब से रोल। इस वेब सीरीज में आरिफ अली खान, राजदीप शर्मा, मंजीत सिंह, उदित भारद्वाज, रोनी चेक, रोहित सेठी, सचिन सक्सेना, शोभित भारद्वाज, रवि कश्यप, रत्नाकर मेहता, नीरज श्रीवास्तव, राजू सिंह पनवर, दिवेंद्र प्रताप सिंह, अमित पांडे, हर्ष कुमार, रुद्र सिंह और चंद्रभूषण ने भी काम किया है। चलिए अब पॉपकॉर्न की बकेट के साथ तैयार हो जाइए 22 जनवरी को वेब सीरीज शूट आउट एट मुरादाबाद देखने के लिए। तो खेल शुरू करें, क्योंकि अगर हम एक बार चूक गए तो चौधरी द्वारा मौका नहीं देगा। ठीक है, धंधा और यहाँ का माहौल दोनों मेरे लायक नहीं है। राजा चौधरी के परिवार में रिश्तों में गलतफहमियां हैं, उसका फायदा उठा के हम शहर की गंदगी को साफ कर सकते हैं। तुमने पी रखी है? काश मैंने पी होती।
अफसोस मैं आज होश में हूँ। ये ना समझ है और ना समझ ही रहेगा। पता लगाओ इसके गुर्दे में ताकत आ गई। उसने त्यागी के बेटे को चिता पर लिटा दिया। अगर उसे इसी चिता पर ना लिटाया तो मेरा नाम रत्नाकर त्यागी नहीं। न्यूज डेस्क INN।